हेलो एंड वेलकम। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। करंट अफेयर सेशन का ये तीसरा पार्ट है, तो हमारी टीम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएगी। करंट अफेयर 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी ये कोशिश है कि आप 80-90% मार्क्स स्कोर कर सकें। तो लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। इसका आप नोट्स बना लीजिए या आप पीडीएफ फॉलो कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हिंदी के बच्चों के लिए, राष्ट्र सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एम ए गणपति। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर है 139, 139। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। हिंदी के बच्चों के लिए, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सामिया सुलुहु हसन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड। हिंदी के बच्चों के लिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, शरथ कमल एंड मनिक बत्रा क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स अंडर विच स्पोर्ट। शरथ कमल और मनिका बत्रा ने किस खेल के तहत टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड किया? इसका आंसर है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हिंदी के बच्चों के लिए, 2021 विश्व क्षय रोग दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हु इज टू बी कन्फर्ड विद द व्यास समन 2020। हिंदी के बच्चों के लिए, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाना है? इसका आंसर है शरद पगरे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज CEO of UIDAI recently। हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन है, which of the following warship is deployed by the Indian Navy in the Indo-US PACEX exercise। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना द्वारा इंडो यूएस पैसेक्स अभ्यास में तैनात किया गया है? इसका आंसर है INS शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायटम्स फ्रॉम मूला रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली। हिंदी के बच्चों के लिए, अग्रकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में मूला नदी से डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की? इसका आंसर है पुणे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट द 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स। हिंदी के बच्चों के लिए, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है इरफान खान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप दैट ब्लॉक्ड स्विच कैनल रिसेंटली। हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले जहाज का क्या नाम है? इसका आंसर है एवर गिवन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड US कैरी आउट द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री ड्रिल वज्र प्रहार रिसेंटली। हिंदी के बच्चों के लिए, भारत और अमेरिका के विशेष बलों ने हाल ही में सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार के 11वें संस्करण
को कहाँ अंजाम दिया? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दैट द इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन बांग्लादेश? हिंदी के बच्चों के लिए, उस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना बांग्लादेश में भाग ले रहे हैं? इसका आंसर है एक्सरसाइज शांति ओर्गो सेना, शांति ओग्रो सेना। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड विथ अ 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? हिंदी के बच्चों के लिए, 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रजनीकांत। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इमिशन ऑफ डैश फ्रॉम यूरेनस? हिंदी के बच्चों के लिए, पहली बार वैज्ञानिकों ने यूरेनस से डैश उत्सर्जन की खोज की? इसका आंसर है एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज BCCI's एंटी करप्शन यूनिट चीफ रिसेंटली? हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सब्बीर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन? हिंदी के बच्चों के लिए, प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह नामक आंदोलन किसने शुरू किया है? इसका आंसर है वायरल देसाई। अगला क्वेश्चन है, नासा हैज सेलेक्टेड डैश टू कैरी द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू द लूनर सरफेस? हिंदी के बच्चों के लिए, नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के सतह पर ले जाने के लिए डैश को लॉन्च किया? इसका आंसर है स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट अन्नपूर्णा? हिंदी के बच्चों के लिए, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? इसका आंसर है प्रियंका मोहिते। आई होप सभी बच्चों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ताकि आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप ग्रैस्प कर सकें। इसके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे PDF को फॉलो कीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।